नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। बिहार की सियासत इन दिनों देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार में जिस तरह से 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ एनडीए खेमे में, इस बंटवारे के बाद देखा गया है कि कई ऐसे सहयोगी दल रहे जो दरकिनार होते हुए नजर आए। बात की जाए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस जो अपनी नाराजगी को जग जाहिर करते हुए नजर आए, वह इस्तीफा देते हुए नजर आए और त्याग पत्र देने के बाद पशुपति पारस का रुख कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आया। लेकिन अब देखा जा रहा है कि पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान के समर्थन में आ चुके हैं। जानकारी दे दें कि चिराग पासवान, जिनकी पार्टी को 5 लोकसभा सीटें दी गई हैं इस खेमे में, वैशाली है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, वहीं जमुई और हाजीपुर भी है। हाजीपुर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट रही जिसको लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सियासी जंग छिड़ गई। एनडीए खेमे में देखा गया कि सब यही चाहते थे कि कैसे भी करके चाचा भतीजे एक हो जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं चाचा भतीजे के जो सुर हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पशुपति पारस का जो मन है वह बदलता हुआ नजर आ रहा है, अपने भतीजे के लिए अब उनका दिल पिघलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब सवाल यही खड़े होते हैं, क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान एक बार फिर से एक हो जाएंगे या फिर नहीं। सबसे पहले यहां पर चिराग पासवान और पशुपति पारस के कुछ बयान आपको सुना देते हैं। हाल ही में जिस तरीके से चिराग पासवान ने कई बयान दिए, जब उनसे बार बार पूछा गया कि आखिरकार क्या वह चाचा पशुपति पारस को अपने साथ फिर से ला पाएंगे, वह कहते हैं कि आज भी हमारे परिवार में बड़े लोग ही फैसला लेते हैं, वह घर में बड़े हैं, वह चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं, फैसला उन्हीं का होगा। और दूसरी ही तरफ देखा गया कि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपनी बात रखी पशुपति पारस ने। जानकारी दे दें कि पशुपति पारस अपने भतीजे प्रिंस राज के साथ हाल ही में एक अहम बैठक का हिस्सा बने, जहां पर कार्यकर्ताओं ने ये बात तक कह डाली जब पशुपति पारस ने कहा कि 400 का पार आंकड़ा रखा है अब बीजेपी ने और जीत हम हासिल करेंगे। 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होगी। और ये सुनने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तक कह दिया कि 6 सीटें ऐसी रहेंगी जिन सीटों पर हम वोट नहीं देंगे, एनडीए की हार होगी। ये 6 सीटें वही सीटें हैं, 5 सीटें जो चिराग पासवान को दी गई हैं और इन्हीं में एक सीट उन्होंने जो जोड़ दी है वो है उजियारा सीट। अब देखते हैं कि आखिरकार पशुपति पारस अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मना पाएंगे। लेकिन पशुपति पारस यहां पर किस तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आए, वहीं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हो गया केंद्रीय मंत्री के पद से आपने इस्तीफा।
चाचा जी का ऐसा मामला आपको दिख रहा है क्या? लेकिन जब परिवार टूटा, परिवार पार्टी को तोड़ने का भी फैसला उन्हीं का था। मैं जिस परिवार से आता हूं, घर के बड़े ही ऐसे फैसले लेते हैं। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि ये सारे फैसले मैं ले सकूं। उस वक्त भी फैसला उनका था, आज भी फैसला उन्हीं का होगा। तब भी उस फैसले को मैंने अपने सरा कर एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा उसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार आने वाले दिनों में पशुपति पारस और चिराग पासवान एक हो पाएंगे या फिर नहीं। ये सवाल इसी वजह से उठ रहे हैं, दरअसल जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान ने बयान देना शुरू किया है, राजनीतिक विश्लेषक इस पर क्या कुछ कहते हैं ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से राजनीति में चाचा और भतीजे जो इस तरह से सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी सियासी जंग को लेकर, इसको लेकर अब देखा जा रहा है कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग हुई है उस सीट शेयरिंग के चलते चाचा भतीजे के बीच सियासी जंग तो छिड़ गई, लेकिन वो सियासी जंग कहीं ना कहीं अब थमती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको जानकारी दे दें कि रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद उनकी पार्टी लोजपा जिस तरीके से दो गुटों में बट गई, एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी को संभाल रहे हैं चिराग पासवान को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया, वह फिर भी बीजेपी के साथ खड़े रहे और आज देखा जाए तो अपने पिता के नक्शे कदमों पर वह चल रहे हैं। पीएम मोदी के वह हनुमान कहे जाते हैं, मोदी भक्त माने जाते हैं, वह बीजेपी के साथ वह खड़े रहे और आज उन्हें एक बड़ा जो सियासी फल मिल रहा है वो इसी का मिल रहा है, उन्होंने संघर्ष जो किया है। ऐसे में अब यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो सीट बंटवारा हुआ है, बीजेपी ने 17 सीटें अपने पास रखी, 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। तो ऐसे में नाराज पारस ने नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर खुद को मोदी परिवार से बाहर घोषित कर दिया, लेकिन एक बार फिर से के सुर बदल चुके हैं। पशुपति पारस मान चुके हैं, शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी, लेकिन इसी बीच देखा गया है कि पारस की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज भान सिंह ने कहा है कि कोई सीट चाचा के पास हो या भतीजे के पास हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एनडीए परिवार का हिस्सा हैं। हम लोग एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन के लिए पूरे दमखम से मैदान में उतरेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रिंस राज ने कहा कि हम लोगों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बातें रखी थी, बीजेपी के आश्वासन पर ही हमने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है और अब जो बैठक है कार्यकर्ताओं की भावना जानने के लिए आयोजित की गई थी, कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले पर लगाती है। अब ऐसे में यहां पर यही देखना होगा कि आखिरकार चाचा और भतीजे जो हैं वह एकजुट हो पाएंगे या फिर नहीं। हाजीपुर सीट से भतीजे के लड़ने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि ईमानदारी से हाजीपुर की सेवा की है हमने, लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करना हमारा लक्ष्य है। अब यही देखना होगा कि आखिरकार चिराग पासवान और पशुपति पारस से एकजुट होते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में या फिर नहीं। क्या एक बार फिर से इन दोनों ही पार्टियों का गठबंधन होगा, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में फूट पड़ी थी उसका पूरा पूरा फायदा इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाना
उठाने का प्रयास किया गया, क्योंकि देखा गया कि पशुपति पारस को ऑफर पर ऑफर मिल रहे थे और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पशुपति पारस को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल पद उन्हें दिया जा सकता है। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि पशुपति पारस के लिए बीजेपी ने क्या कोई सोच विचार कर रखा है या फिर नहीं। 2024 में लोकसभा चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस की पार्टी पर कितनी मेहरबानी नजर आती है इस गठबंधन में। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या चाचा और भतीजे को एक बार फिर से एकजुट हो जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।